वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज। आज हम बात करेंगे टवाना कबीला के मुतालिक। हम देखते हैं कि ये कबीला कितना पुराना है और मजहब के अतबार से ये कबीला कितने मजाहिब में तकसीम है। टवाना कबीला जाट कौम का बहुत पुराना कबीला है। ये पवार जाटों की जैली शाख या मोल गोत्रा है। राजा करण की औलाद में से हैं और ये सूरजवंशी जाट कबीला है। टवाना का लफ्जी मतलब तीन गुना ताकतवर। ये सिंध बलोचिस्तान और पंजाब में काफ़ी तादाद के साथ आबाद है। टवाना की औलाद में से दाद नामी एक शख्स हुआ है जिसको दाद पोतरा कहा जाता है। बहावलपुर के नवाब खानदान इसी टवाना की औलाद में से हैं जो आजकल खुद को अब्बासी या कुरैशी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तारीख दानों ने टवाना कबीला के मुतल्लिक कितनी जानकारी हम तक पहुँचाई। ईडी मक्लेगन और एच ए रोज अपनी किताब द ग्रोसरी ऑफ ट्राइब एंड कास्टेज में लिखते हैं, टवाना शाहपुर कोहिस्तान नमक के दामनी इलाका में आबाद हैं और उन्होंने पंजाब की तारीख में इससे कहीं ज्यादा नुमाया किरदार अदा किया, जो महज उनकी तादाद या गिनती को देखकर मुश्किल नजर आता है। इन्हें पंवार जाटों और सयाल और घीबा वाले मूरस से आला की नस्ल से ही करार दिया जाता है। वो पंजाब में गालिबन सियालों के साथ ही आए और यकीनन 15वीं सदी खत्म होने से पहले वो सबसे पहले दरियाए सिंध पर जहांगीर के मुकाम पर आबाद हुए। लेकिन अंजामकार शाहपुर थल में अपने मौजूदा मस्कन को चले गए, जहां मिठा टवाना में अपना मरकजी कस्बा तामीर किया। इसके बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है द चीफ ऑफ पंजाब लिपल ग्रिफन की किताब से वो और कर्नल डेविस की शाहपुर रिपोर्ट के सफा नंबर 40 पे मिलती है। वो लिखते हैं कि बाकी का जिला सिखों का मती हो जाने के बाद काफी अरसा तक टवानों ने अपनी मुजाहमत जारी रखी। अब वो एक नीम गलाबान नीम काश्तकार कबीला और सिपाही पैदा करने वाले मजबूत आदमियों की नस्ल हैं। ताहम इनके औसाफ अफसोसनाक तौर पर इंतहाई झगड़ालू हैं और दागदार है, यानी कि वो कहते हैं कि ये बहुत झगड़ालू और फसाद पसंद कबीला है। उसकी वजह यह है कि इनकी आपस में और जिस किसी के साथ भी वास्ता पड़े इसमें गैर मुख्ततम शोरस जारी रहती है, यानी कि ये आपसी कबीलों में भी और आप दूसरे कबायल में और आपस में भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। और दूसरी जगह ये इसी किताब में लिखते हैं, जाटों का एक कबीला पटियाला में वो टवाना की सातवीं पुश्त में पंवार जाट लखू की औलाद होने के दावेदार हैं और 13वीं सदी में धारी नगर से हिजरत करके आए अमृतसर में जरात पेशा एक कंबो कबीलचा। और नीचे तीसरी जगह ये कंबोओं की एक जैली शाह को बता रहे हैं, जबकि कंबो खुद एक चंद्रवंशी जाट कबीला है, बल्कि ये कंबोओं की शाख नहीं है। ये जो पंवार हैं ये टवाना जो है ये पंवारों की ही जैली शाख है। इसके अलावा राम स्वरूप जून अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ द जाट में लिखते हैं, टवाना कबीला और जंजुआ कबीला दोनों दावा करते हैं कि वो सियालकोट के राजा सालू की औलाद हैं या रसालू की औलाद हैं। जब रसालू को कत्ल कर दिया गया तो उसकी बीवी तीन बच्चों के साथ वहां से फरार हो गई। उनसे एक बच्चे का नाम टाही था। इसी टाही को बाद में टवाना कहा जाने लगा और यही टवाना नामी शख्स इस कबीले की जड़ या जद्दे अमजद है। शाहपुर में इस कबीले के दो गांव हैं, हडाली और मिठा टवाना। मिठा टवाना की वजह तस्मिया ये है कि वहां इनको पानी का एक कुआं मिला जो बहुत मतलब मीठे पानी का कुआं था, तो जिसकी वजह से इस गांव का नाम मिठा टवाना पड़ गया। मजीद लिखते हैं कि गोंदल खोखर खरल टवाना सिक्काबंद जट कबीले हैं, बाद में ये राजपूतों में बदल गए। मजहब के अतबार से ये हिंदू सिख और इस्लाम में तकसीम है। हिंदू टवाना जट कबीला राजस्थान उत्तर प्रदेश और हिमाचल में आबाद है, जबकि सिख टवाने जट इंडियन पंजाब यानी ईस्ट पंजाब में फैले हुए हैं। इस्लाम कबूल करने की इनकी रवायत में ये है कि इन्होंने हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के हाथों इस्लाम कबूल किया और फिर ये वहां से हिजरत कर गए, यानी कि अयोध्या पाक पतन से हिजरत करके ये मुख्तलिफ मकामात में फैल गए। उनमें से एक जगह मिठा टवाना भी है जिसकी वजह तस्मिया आपको बता दी गई है कि वहां इन्होंने एक कुआं खुदवाया या खोदा हुआ पहले ही था, उसका पानी मीठा था, जिसकी वजह से इस कस्बे का नाम मिठा टवाना पड़ गया।
ये थी टवाना कबीले की हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन, जानकारी जो हमें मुख्तलिफ जराए से मिली और हमने आप